हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके साथ रशिया के एक टाउन वोरकटा, जिसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं, इस टाउन की एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। इसे घोस्ट टाउन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है और यह माना जाता है कि यहाँ पे जन्नात भी हैं। तभी यह इलाका काफ़ी अरसे से अबंडेंट है। अब आपके साथ इस टाउन की एक स्टोरी शेयर करूँगा। ये वाकया चार दोस्तों के साथ पेश आया, तो अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकया सुनते हैं। मेरा नाम मिश्रा है। कुछ साल पहले की बात है कि हम चार दोस्तों ने रशिया के एक टाउन वोरकटा में जाने का प्लान बनाया। तो एक वीकेंड पर हम चारों दोस्त गाड़ी लेकर वोरकटा के लिए निकल पड़े। कुछ टाइम बाद ही हम वोरकटा पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर हमने बॉनफायर की और कुछ देर इंजॉय किया, लेकिन उसके बाद सर्दी काफ़ी तेज़ होगी तो हम लोगों ने सोचा कि अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो एक बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आ गया। हमें गाड़ी से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तूफ़ान इतना तेज़ था कि हमारी गाड़ी बर्फ़ में धंसती जा रही थी और हम गाड़ी में एक दूसरे को बातें करने लगे कि यार ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम इस तूफ़ान में फंसे हैं। हमें पता लग चुका था कि अब यह हमारा आखिरी टाइम है क्योंकि हमारी गाड़ी आधी से ज़्यादा बर्फ़ में धंस चुकी थी और इस तूफ़ान में हमारी मदद के लिए पहुंचना तो नामुमकिन था। हम रो रहे थे और अपने घर वालों को याद कर रहे थे। फिर अचानक से हमारी गाड़ी को धक्का लगा और पीछे से काफ़ी तेज़ रोशनी नज़र आई और कुछ लोग जो बग़ैर कमीज़ के थे, उनका कलर ब्राउन था, वो गाड़ी के आगे से बर्फ़ हटाते जा रहे थे और वो तेज़ रोशनी हमारी गाड़ी को आगे धक्का दिए जा रही थी। हमें यह देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि इतनी शदीद सर्दी में वो लोग बग़ैर कमीज़ के थे, इस शदीद सर्दी में ऐसे रहना तो नामुमकिन था। वो इंसान के रूप में कोई और मखलूक थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने हमें बर्फ़ से बाहर निकाल दिया और हमारी गाड़ी एक शेड के नीचे आ गई और वो रोशनी गायब हो गई। हमें यकीन हो गया था कि वो लोग इंसान नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक थी। फिर जब तूफ़ान थमा तो रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आ गई। आज भी जब मैं ये वाक्या याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।